और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का फोर्थ, इस टाइप के क्वेश्चन में fx = x - latest dgx। जब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो हम लोग दो मेथड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक तो पीरियोडिक मेथड है, जिन बच्चों को फंक्शन क्लियर है, इवन ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ये सब सारे चीजें डेफिनेट इंटीग्रल में यूज होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को पीरियोडिक फंक्शन यूज है उससे भी कर सकते हैं या इवन ऑड फंक्शन से भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों फंक्शन अगर क्लियर नहीं है तभी उनको सिस्टमेटिक रूल जैसे बताया गया उस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लगाते समय ये बच्चे ध्यान दें, -1 से 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, ठीक है। अगर इसको मैं सिस्टमेटिक लगाता हूं बिना पीरियोडिक फंक्शन का यूज किए, इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं? सबसे पहले हम जो है बिना पीरियोडिक फंक्शन का जो है यूज किए इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले ब्रेक कर लेते हैं, -1 से 1 x - 1 से 1 x - 1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों को अगर ये याद है कि ये ऑड फंक्शन है, माइनस ए से ए में यहाँ एक प्रॉपर्टी होती है कि माइनस ए से ए fx अगर हमारा क्या हो जाए तो ऑड फंक्शन हो जाए, माइनस ए से ए में ये डायरेक्ट रिजल्ट क्या देने लगता है, जीरो। तो यहाँ पे बच्चे अपनी आसानी के लिए जो है इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो, क्योंकि माइनस वन से वन में ए फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन बच्चों को आना चाहिए, इवन और ऑड, ये रिजल्ट क्या देने लगेगा, जीरो। अब यहाँ से इसका कैलकुलेशन जब हम लोग, अब यहाँ पर जो मैंने बताया शॉर्ट कट से, जब पीछे हमने बताया इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय यहाँ कुछ नहीं करना है, -1 + 0 + 1। लेकिन इसको लिखते समय एक चीज ध्यान देना है, इसको हमने बताया कि ये जो लास्ट वाला लोअर लिमिट अपर लिमिट है इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। अपर लिमिट को क्या कर देना है, छोड़ देना है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इतना ही ऐड करेंगे। जब इतना ऐड करोगे तो -1 + 0 - 1 और फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है, होता +1, ठीक है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। एक तो हम लोग इस मेथड से देख सकते हैं, अगर तुमको इवन और बच्चों को क्लियर है इवन और ऑड फंक्शन तो इससे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सेकेंड जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से कैसे लगा सकते हैं, ऐसे बच्चे जैसे इस क्वेश्चन को लगाते समय -1 से 1 x dx, ठीक है। आप ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का पीरियड याद होना चाहिए, पीरियड क्या होता है, 1 याद करना है, पीरियड क्या होता है, 1। ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड क्या होता है, 1। तो अगर इसका पीरियड 1 है तो मैंने प्रॉपर्टी में अगर देखो तो पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी में, तो पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी में क्या, पहले तो इसको 0 बना दो, तो पहले +1 + 1 दोनों में ऐड कर दिया तो ये कहां से चलने लगेगा, 0 से लेके 2। जैसे ही ये 0 से 2 करेगा तो इसकी ये जो है ये पीरियोडिक फंक्शन है इसका पीरियड क्या होता है, 1। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे इसका पीरियड रहेगा, एक्स्ट्रा जो भी है वो बाहर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 2 0 से लेके 1 और क्या हो जाएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अब यहां पे देखेंगे 2, अब इसका देखेंगे यहां पे सॉल्व करेंगे तो x क्या आने लगेगा, यहां पे x²/2 कहां से कहां काम करेगा, 0 से लेके 1, ठीक है। अब माइनस, अब इसमें लोअर लिमिट रखने जाओगे, लोअर लिमिट रखोगे तो पहले ही रिजल्ट क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। अब फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिला यहां से, 2 1/2 - 0, फाइनल रिजल्ट क्या मिला बच्चों, 1 हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमको क्या मिल गया, करेक्ट मिल गया। ये बच्चे ध्यान देंगे इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कम समय में क्वेश्चन शॉर्ट कट ट्रिक लेके हम लोग लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर x² आ जाए, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या आ जाए, x² आ जाए, ठीक है। तो x² अगर आ जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि x² टाइप का अगर क्वेश्चन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाता है बच्चों से, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे इंटरवल को ब्रेक करेंगे, ठीक है। चलिए आज का इतना ही रहेगा क्लास, नेक्स्ट लेक्चर।